Hello dear students, I hope you are doing absolutely awesome. I would like to welcome you on my channel Physical Educationist. So friends, आज हम देखने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता है कि आपके इंटरव्यू में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो कैसे हम लास्ट टाइम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए और किन किन बातों का हमको खास ध्यान देना है जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जैसे कि अभी आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 दिन रह गए आपके इंटरव्यू में, तो आपको करना क्या है, आप अपने आपकी प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, जो भी आपके सवालों के जो जवाब है, जो भी मैंने आपको दिए हैं वीडियोस के थ्रू जो आपको मिले हुए हैं, या जहाँ कहीं से आपको कुछ क्वेश्चन मिले हैं या आपके मन में जो आए होंगे डाउट्स कि हाँ ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है, आपने उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया होगा, तो आपको क्या करना है, अपने आपको डेली कम से कम आधा से एक घंटा डेली मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। और अगर वो नहीं कर सकते तो वो करना ही करना है, और अगर वो नहीं कर सकते तो एक काम कीजिएगा, आप भी एक वीडियो बनाइएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा और बाद में चेक कर कीजिएगा कि आपसे गलती कहाँ कहाँ हो रही है, इस चीज़ का ध्यान देना है। और दूसरी बात, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं तो कोशिश करना कि आपको 1 से 2 दिन पहले आपको वहाँ पहुँचना है और अपने एग्ज़ाम सेंटर घूम कर आइए, क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए लास्ट टाइम आपने थोड़ा अपना होटल या दूर ले लिया है और फिर आपको कैब नहीं मिलती तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए उसको पास लेना कि अगर कैब वगैरह नहीं मिलता है तो अब आप पैदल भी जा सके। ओके, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार कर लीजिएगा, उनकी ओरिजिनल कॉपीज़, उनकी फ़ोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी वगैरह, और अपनी जो फोटोज़ वगैरह है उनको सब एक अच्छे से सेट में रखिएगा, ठीक है, कि जिस तरीके से आप प्रेजेंट करने वाले हैं कि आपके पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपके जो और सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनको आप अच्छे से सेट करके रख के ले जाइएगा, ठीक है, और उसी सेम पैटर्न में आप अपने जो जीरोक्स कॉपी है उनको भी सेट करके रखिएगा। ओके, और क्या होगा कि अपने आप को पहले से ही ध्यान देना है कि आपको अपने आप को वेल ग्रूम करके जाना है, ठीक है, पूरा क्लीन शेव, आपके पूरा जो हेयर्स हैं वो एकदम छोटे करके जाना है, और सबसे मेन बात जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है उस पर आपको खास ध्यान देना है। जो लड़के लोग हो गए उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि अपना पूरा फॉर्मल पहन के जाना है, और लड़कियां भी फॉर्मल पहन सकती हैं या चाहें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर वो साड़ियों को प्रेफर करें। और ध्यान देना है कलर कैसा होना चाहिए, कलर लाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूरा डार्क कलर पहन के जा रहे हैं, ब्लैक शर्ट पहन के जा रहे हैं, आप ब्लैक पैंट कर सकते हैं लेकिन शर्ट आप अपनी लाइट रखिएगा। ओके, सेम साड़ी में भी कि ऐसा नहीं कि आप काली साड़ी वगैरह लाल रंग का पहन के जा रहे हैं, इसको थोड़ा लाइट क्रीम कलर आप रख सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। ओके, और जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या करना है कि जब आप एंटर हो रहे हैं तो एंटर पूरा परमिशन के साथ में लेना है, और जब तक वो बोले ना तब तक बैठना नहीं है आपको वहाँ पर, ठीक है, और उस टाइम आपको पूरा सीरियस रहना है क्योंकि इंटरव्यू में वो आपके एंट्री से लेके एग्जिट तक हर चीज़ एनालाइज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर 4 से 5 लोग बैठते हैं, वो आप वहाँ पर अलग अलग के कोई आपसे आपकी बॉडी पोस्चर चेक करेगा, कोई आपसे आपकी पर्सनल डिटेल लेगा, कोई आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेगा, और एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपकी वो देखता है कि आपके बिहेवियर को वो आपको एनालाइज करता है कि आप वहाँ पर कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको स्कोर्स दिए जाएंगे। ओके, तो खास बात ध्यान देना कि आप एंट्री से लेकर एग्जिट तक आपको पूरा फॉर्मली बिहेव करना है वहाँ पर। ओके, आपको परमिशन लेकर एंटर जाना है, जब तक वो बोले ना तब तक बैठना नहीं है। अब बात करते जब आप बैठ गए इंटरव्यू के लिए और स्टार्ट भी हो जाता है तो आपको वहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलना है, ठीक है, कोशिश करना है कि कम से कम बोलें, और जितना बोलें कॉन्फिडेंस के साथ में बोलें, और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्लियरली मना कर दें, लेकिन इसके चक्कर में आप गलत जवाब देकर अपनी इमेज खराब नहीं करें, ठीक है, तो इन बातों का आपको खास ध्यान देना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है अपने रिगार्डिंग इंटरव्यू तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।